ब्रेक तो बाद खड़ा सिलसिला एक बार फिर तो जारी है। पंजाब के सरकारी दफ्तरां दे विच हुण प्रीपेड मीटर लगणगे। आप सरकार ने बिजली दे प्रीपेड मीटर लगाउण दे लई हरी झंडी दे दित्ती है। दस्सदे कि हुण पंजाब सरकार ने हरी झंडी दित्ती है। पंजाब के सरकारी दफ्तरां विच हुण प्रीपेड मीटर लगणगे। बिजली दे बिल दे बकाए दे मद्देनजर सरकार ने हुण इह अहम कदम चुक्या है ते हुण प्रीपेड मीटर सरकारी दफ्तरां च लगाए जाणगे। सरकारी दफ्तरां वल पावरकॉम दा दस्सदे कि 2400 करोड़ रुपए तो वध दा बकाया है। पावर फाइनेंस कारपोरेशन वालों पंजाब च बिजली मीटरां नूं प्री पेड करन दे लई 57,000 करोड़ दा कर्जा मंजूर किया गया। सूबे दे सरकारी दफ्तरां विच 40,000 तों वध 3 फेज बिजली दे कनैक्शन जिहड़े ने ओह होणगे। एक स्मार्ट प्रीपेड मीटर दी कीमत 5500 तों 7000 रुपए दे विचकार होवेगी। एक आम मीटर दी कीमत 550 तों 1500 रुपए दे विचाले हुंदी है। दस दे कि जिस तरह 2400 करोड़ रुपया बकाया है, इस हिसाब दे नाल हुण सरकार ने अहम कदम चुकदियां प्रीपेड मीटर लगाउण नूं मंजूरी दित्ती है। दस दे कि एक आम मीटर दी कीमत 550 रुपए तों 1500 रुपए दे विचाले हुंदी है। सो मंजूरी हुण दित्ती गई है पंजाब दे सरकारी दफ्तरां विच प्रीपेड मीटर लगाउण नूं, क्योंकि अक्सर असीं देखदे हां जिहड़े सरकारी विभाग ने उन्हां वालों बिजली दे जिहड़े बिल नहीं भरे जांदे ते वड्डा नुकसान जिहड़ा है बिजली विभाग नूं चलना पैंदा है। बिजली बैंक बिल दे बकाए दे मद्देनजर सरकार ने दस दिए कि अहम कदम चुक्या है। तकरीबन 2400 करोड़ रुपया पावरकॉम दा जिहड़ा बकाया है सरकारी दफ्तरां वल, लेकिन उसकी जिहड़ी है पूर्ति नहीं हो पा रही है। सो पावर फाइनेंस कारपोरेशन वालों पंजाब च बिजली मीटरां नूं प्रीपेड करन दे लई 57,000 करोड़ दा बजट जिहड़ा है ओह मंजूर किया गया। सो एक स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमत 5500 तो 7000 रुपए के विचकार होवेगी, लेकिन इस तू लैके मंजूरी जड़ी है वह हुण दे दित्ती गई है।